और सर्दी के सितम की बात करते हैं, मौसम से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में घना कोहरा है। कोहरे से रेल, सड़क और वायु परिवहन प्रभावित है। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस समय लेट चल रही है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना इस समय लोगों को करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है और जो सर्दी का मज़ा है वो सजा में इस समय बदला हुआ है। उत्तर भारत की अपडेट हम आपको, मौसम अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय सर्दी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के कई भागों में कोहरा और कोल्ड डे में कमी दर्ज की गई। आपको बता दें, आज अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में सर्वाधिक तापमान 28 डिग्री के करीब है। तो मौसम अपडेट हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई भागों में कोहरा और सर्दी में कमी दर्ज की गई है। आज अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जयपुर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 25 डिग्री सेल्सियस जयपुर का तापमान अधिकतम दर्ज किया गया है। तो प्रदेश के कई भागों में कोहरा और कोल्ड डे में अब कमी दर्ज की गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सीकर के फतेहपुर में सर्वाधिक तापमान 28 डिग्री के करीब है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से राहत यहां मिलती दिखाई दे रही है। सर्दी का सितम अब कम हुआ है प्रदेश के अंदर, कोहरा भी घटा है और सर्दी भी घटी है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई भागों के अंदर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान से अधिक यहां तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो राजधानी के अंदर भी अब सर्दी का सितम कम हो गया है। सीकर के फतेहपुर में सर्वाधिक तापमान 28 डिग्री के करीब रहा। तो प्रदेश के कई भागों में कोहरा और कोल्ड डे अब कम होता जा रहा है, जिससे एक बड़ी राहत। और इस समय आसमान आप देख सकते हैं, राजधानी का ये आसमान है जहाँ पर इस समय बादल छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बादल भी हैं, जिसके चलते सर्द हवाओं में कमी महसूस की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ माउंट आबू से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मगन प्रजापत। मगन, माउंट आबू में इस समय आप मौजूद हैं, राजस्थान के कश्मीर में इस समय मौजूद हैं आप, लगातार मौसम को लेकर अपडेट भी आप देते रहते हैं। अभी जो अपडेट मिल रही है, कई ऐसे भाग है राजस्थान के जहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्या वैसा ही कुछ मौसम माउंट आबू में भी है या फिर सर्दी बरकरार है अभी वहाँ? जी सौरभ, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी का सितम है बरकरार है। जो रातें भी हैं वो भी सर्द है, लेकिन फिलहाल आज के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 1 से 2 डिग्री माउंट आबू में तापमान है। जो पिछले दिनों जो माउंट आबू में जो माइनस में दर्ज किया जा रहा था, करीब 2 सप्ताह भर से माइनस में था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अब सर्दी है, थोड़ी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी का सितम है वो सौरभ जारी है। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच माउंट आबू में घूमने आने ला रहा पर्यटक उत्साहित नजर आ रहा है। माउंट आबू में घूमकर कहीं ना कहीं लोग अपने आप को कैमरे में जो खूबसूरत तस्वीरें कैद करता हुआ नजर आ रहा है। जी सौरभ, ऊपर से लगातार आप अपडेट दे रहे हैं मगन, और लगातार तस्वीरें भी हम मौसम से जुड़ी हुई खबरें आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। चर्चा पहले से ये भी हो रही थी कि जिस तरह की कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है, उसी हिसाब से प्रशासन को कहीं ना कहीं निर्णय लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी छुट्टियां आगे बढ़ाई जानी चाहिए, क्या उस पर कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है? प्रशासन का कोई रिएक्शन, कोई कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर?
नहीं बिल्कुल सौरभ, अभी तो ऐसा फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से देखने को नहीं मिला है, लेकिन नन्हे बालक अभी भी यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। आज जैसे आज वीकेंड भी है माउंट आबू में, रविवार का दिन है, वैसे तो आज माउंट आबू में नन्हे बालकों की जो स्कूली विद्यालयों की है छुट्टी है, लेकिन कल फिर से स्कूल शुरू होगी तो यहाँ पर जिला प्रशासन को जो छुट्टी को लेकर मंथन करना होगा, क्योंकि कड़ाके की सर्दी के बीच जो नन्हे जो बालक है, जो खासकर 3 वर्ष के या 5 वर्ष के और उससे ऊपर या 5 वर्ष से 6 वर्ष से जो वो खासे परेशान नजर आते हैं, और यहाँ पर जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। राजकीय अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल में है, यहाँ पर निरंतर जो मरीजों की संख्या है उनमें भी इजाफा नजर आ रहा है। मौसमी बीमारियां यहाँ पर पकड़ती हुई नजर आ रही है, जैसे लोगों में जिस तरह से हमने देखा भी कि सर्दी जुकाम और जो अन्य बीमारियां यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है, तो उससे लोगों को खासी परेशानी अभी सामना करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ नन्हे को लेकर छुट्टी को लेकर यहां पर जिला प्रशासन को एक बार और मंथन करना होगा। जी सौरभ, ठीक है, मगर तो अभी फिलहाल क्योंकि पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, सर्दी बरकरार है, ऐसे में सर्दी का आनंद लेने के लिए माउंट आबू में खासी भीड़ पर्यटकों की देखने को मिलती है। क्या नजारा इस समय माउंट आबू का इधर कर? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए यहाँ खूबसूरत सर्दियों के दिनों में माउंट आबू अब यहाँ पर अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर चारों इलाकों में माउंट आबू में बर्फ की परत देखने को मिलती है, और यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर पर्यटक बर्फ को देखने के लिए यहाँ पर आतुर नजर आता है। और माउंट आबू में यहाँ पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो कल शनिवार था, आज वीकेंड है माउंट आबू में, ऐसे में माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटकों का रुख किया है, तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत वादियों को निहारने को लेकर माउंट आबू में जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ती है। धन्यवाद मगन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मौसम का आनंद लेने के लिए फिलहाल पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं माउंट आबू।